अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फरहान यूसुफ एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर E2 मैकेनिज्म को, इस रिएक्शन के इस आपके लेक्चर के अंदर जो है हम E1 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। E1 मैकेनिज्म यानी E1 जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं, यानी सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं E1 मैकेनिज्म की, तो E1 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म में कुछ सिमिलरिटी है। जस्ट मेजर डिफरेंस जो हमारे पास इन दोनों के अंदर आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का है, कि हम SN1 के अंदर एक सैचुरेटेड कंपाउंड गेट करते थे एज अ प्रोडक्ट के तौर पे, और एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम जो प्रोडक्ट देखेंगे, E1 मैकेनिज्म में प्रोडक्ट देखेंगे, वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। जस्ट ये मेजर डिफरेंस है और कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है बिटवीन SN1 एंड E1, क्योंकि हम यहाँ पर भी मैकेनिज्म वही देखेंगे के जो हम वहां पर देखकर आए थे। तो सबसे पहले E1 की बात करते हैं, और E1 की बात करते हुए सबसे पहले इस टर्म को राइट डाउन करते हैं, और इसके बाद फिर फर्दर इसकी हम डिस्क्रिप्शन भी लेंगे। E1 का मतलब सिंपली क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। इसे कहते हैं सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की, यानी इस पूरे मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो बेसिकली तौर पे हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर, हम एक टर्शी अल्काइल हैलाइड देख रहे हैं, और हमने ये बात कल डिस्कस की थी कि जो टर्शी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनके अंदर जब कोई एक बेस या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये टर्शी अल्काइल हैलाइड्स उस बेस या न्यूक्लियोफाइल जो है उसके अंदर, यानी उसके ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कास्ट करते हैं। जब ये स्टीरिक हिंड्रेंस कास्ट करेंगे तो फिर हम इस तरह से, यानी एज सच वैसे ही लेते हुए इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हम इस रिएक्शन को किस तरीके से लेके चलेंगे कि हम इसमें पहले पोलर सॉल्वेंट प्रोवाइड करेंगे, वो पोलर सॉल्वेंट जो है इस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में आयनाइजेशन का अमल स्टार्ट करेगा, ताकि जब एक लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद जब बेस अटैक करेगा तो उसके पास इतनी सफिशिएंट स्पेस होगी कि वो आसानी से अटैक कर सके और अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बना सके, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की, तो इसमें हुआ ये है कि फर्स्ट जो है हमारे पास जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है उसे हमने पोलर मीडियम या पोलर सॉल्वेंट प्रोवाइड किया है, और इस पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी के अंदर ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइज हुआ है कार्बोकेटायन में और एक एनायनिक स्पीशी में। अब ये जो कार्बोकेटायन है इस पे आपका बेस अटैक करेगा, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, और हमने ये बात अभी डिस्कस की थी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर होता ये है कि जो आपका बेस है वो बीटा हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करते हुए इसे रिमूव करवाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है बिटवीन कार्बन कार्बन जहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और इसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और बेस आपका जो है वो बीटा हाइड्रोजन रिमूव करवा देगा। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जैसे मैंने आपसे कहा कि SN1 से बिल्कुल मिलता जुलता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें आयनाइजेशन करवाई है, तो ये दो स्टेप्स पर मुश्तमिल रिएक्शन है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म है इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स, ठीक है, दो स्टेप्स पर मुश्तमिल ये हमारे पास मैकेनिज्म है, जिसमें फर्स्ट में हम बॉन्ड ब्रेकेज की बात करते हैं और सेकेंड के अंदर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स पर मुश्तमिल रिएक्शन हो जाएगा। E1 में फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है इट इज टू स्टेप्स रिएक्शन, और सेकेंडली तौर पे ये हम कहते हैं कि इसके अंदर होता ये है कि जब हम ये रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, तो इसमें जो बेस है वो अटैक करता है किस चीज के ऊपर, बीटा हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करता है। बीटा हाइड्रोजन एटम मतलब कि वो हाइड्रोजन एटम जो के बीटा कार्बन एटम पर जो है वो मौजूद होगा, और बीटा कार्बन का मतलब होता है कि वो कार्बन के जो वेरी नेक्स्ट टू द कार्बन दैट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, बेस अटैक ऑन द बीटा हाइड्रोजन एटम, ठीक
ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एटम के ऊपर ये अटैक करेगा, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होगा कि यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक अल्कीन प्रिपेयर होगा। अल्कीन प्रिपेयर होगा और सेकेंडली हम कहते हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, देखें यहां पर चूंकि ये दो स्टेप रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फर्स्ट स्टेप चूंकि बॉन्ड ब्रेकेज है, सेकंड बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट स्टेप एक्चुअली तौर पे क्या होगा, ये एक स्लोअर स्टेप होगा और इस स्लोअर स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है, तो जो इसकी रिएक्शन की जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन CH3O3CCl, ठीक है, इसके ऊपर यानी इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो चूंकि जस्ट एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर रेट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करता है, तो इस मॉलिक्यूल यानी इस ओवरऑल प्रोसेस की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो भी क्या हो जाएगी, सिंगल यानी वन हो जाएगी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ई वन मैकेनिज्म, जिसका मतलब होता है इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, यानी ऐसा रिएक्शन के जिसमें क्या हो, सिंगल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, इस तरह के रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी कहते हैं हम, ठीक है, यानी इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ये कहलाएगा, ठीक हो गया। तो यदि इसमें मॉलिक्यूलरिटी भी वन है और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जिसको हम काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, यानी काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक है, ये इक्वल टू वन होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास यहां पे क्या है, ये वन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंपल ये बात कह रहे हैं कि वो प्रोसेस के जिसमें मॉलिक्यूलरिटी वन हो, चूंकि मॉलिक्यूल ही एक इन्वॉल्व हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। और ये जो ई वन मैकेनिज्म होते हैं ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो शो करते हैं, और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बच चुके हैं, चूंकि दो तरह के हमने मैकेनिज्म को डिस्कस किया, ई वन और ई टू को डिस्कस किया, और ई वन ई टू में दोनों में हमने सेकेंडरी की बात नहीं की है, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा मैकेनिज्म शो करेंगे, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि हमने उसे कंडीशन क्या प्रोवाइड की है, एनवायरमेंट क्या प्रोवाइड किया है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर पोलर है तो फिर ये क्या करेगा, ये ई1 मैकेनिज्म को शो करेगा, अगर हम पोलर नेचर का कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रहे, एटमॉस्फेरिक पोलर नहीं है, तो वो सिंपल ई2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमें प्रोडक्ट बना के देगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास उसके थ्रू बनेगा, ठीक है। तो ये तमाम डिस्क्रिप्शन है ई1 के हवाले से, और हमने इस तमाम डिस्क्रिप्शन के अंदर जो चीज देखी है वो यही है कि एलिवेशन के जो मैकेनिज्म्स हैं वो वही है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थे, लेकिन मेजर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का है कि प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस आता है वहां सैचुरेटेड कंपाउंड और यहां पर क्या होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम चीजें आपको समझ आई होंगी। अब ये जो मैंने फर्स्ट अपना लेक्चर जो है आपको दिया है उसके अंदर एक कमेंट था कि इम्पोर्टेंट MDCAT क्वेश्चंस, यानी MDCAT के इम्पोर्टेंट जो है MCQs क्या है, कहां से मिलेंगे, ठीक है। देखें अगर हम बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है जिसको institute.com कहते हैं, वहां पर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स तमाम के तमाम अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ वहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट भी मौजूद है, आप वो टेस्ट भी देखेंगे एंड टेस्ट जो है वो MCQs पर मुश्तमिल है, और वो MCQs आप सॉल्व करेंगे तो आप अपनी जो आप सिंपल कह सकते हैं प्रैक्टिस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दो लिंक और मौजूद होंगे, इल्म की दुनिया के ही जो वेबसाइट है उसके लिंक मौजूद होंगे, उनके ऊपर भी आप जाकर ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपको लगेगा कि आप जिसके थ्रू बहुत कुछ लर्न करेंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप उसको जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ जब मैं ये तमाम के तमाम कंप्लीट आप कर लूंगा, ये तमाम अपना जो सिलेबस है मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट MCQs जो है उसके भी एक वीडियो आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है, और सेकेंडली तौर पर इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो लॉन्च भी करूंगा, तो वो आप जरूर देखिएगा, वो जस्ट बिफोर वन वीक जो है मैं इसको जरूर जो है वो सेंड कर दूंगा आप तक, ठीक है। तो आप वो देखिएगा, उसका लिंक अवेलेबल होगा, ठीक है, आप उसके उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको जो है वो सॉल्व कीजिएगा, और अगर उसमें भी कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे किसी भी जो वीडियो है उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके मुतालिक गाइड भी करूंगा और आपको समझा भी दूंगा कि किस तरीके से वो MCQ सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम बातें जो मैंने आपसे कही हैं कि आपको ये समझ आई होंगी, आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी टॉपिक के साथ, ठीक है, और जो है ये तमाम पॉइंट्स आपने राइट डाउन भी किए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट सेक्शन में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।